अवैध पशुओं के कटान पर पुलिस की कार्रवाई। शमशाबाद के अवैध पशु कटान को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने सर्किल के फोर्स के साथ दबिश दी, जिसके चलते आरोपी अपने घर से फरार हो गए। मामला थाना शमशाबाद क्षेत्र के मोहल्ला टोला का है। सरकार ने अवैध बूचड़ खानों पर पहले से ही प्रतिबंध लगा रखा है, बावजूद इसके शमशाबाद क्षेत्र में अवैध रूप से बूचड़ खाने धड़ल्ले से चलाए जा रहे थे। कई दिनों से मिल रही सूचना के बाद थाना शमशाबाद पुलिस ने शमशाबाद क्षेत्र के मोहल्ला टोला में अवैध रूप से चलाए जाने वाले पशु कटान पर कार्रवाई की। पुलिस की कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने अवैध पशु कटान की सूचना पर सीओ फतेहाबाद के नेतृत्व में सर्किल के फोर्स के साथ शमशाबाद के मोहल्ला टोला में दबिश दी। दबिश के दौरान आरोपी अपने घर से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से पशुओं को काटे जाने वाले हथियारों को बरामद किया। सीओ फतेहाबाद ने बताया कि कई दिनों से शमशाबाद क्षेत्र से अवैध रूप से पशुओं को काटे जाने की सूचना मिल रही थी। आज ये शमशाबाद थाने में कई दिनों से जो है घरों में एक प्राइवेट स्थल पे अवैध रूप से जो भैंस और जानवर बड़े जानवर काटने की सूचना मिल रही थी, और जिसको लेके शमशाबाद पुलिस द्वारा इंटेलिजेंस डेवलप की गई। आज उस पुलिस द्वारा दबिश दी गई तो मौके पर भैंस काटते हुए उनके सामान कई लोग मौके पर पाए गए, परंतु पुलिस को देख कर सभी लोग मौके से भाग गए, जिसका कि वीडियो वगैरह बना लिया गया, सब सामान मिला है। उसके उपरांत जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है आज तीनों थानों को सर्किल का फोर्स लेके यहाँ दबिश दी गई। जो भी नामजद मूल्य में 5 नामजद हैं और 5 अज्ञात हैं, उनके खिलाफ दबिश दी गई, मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। सभी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सर, क्या किसी की अभी गिरफ्तारी हुई? अभी नहीं है, अभी हिरासत में कुछ लोग हम लोगों ने लिए हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। जो नेम्ड अभियुक्त हैं उनकी हम लोग अतिशीघ्र गिरफ्तारी कराएंगे।